कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो केमिस्ट्री ऑन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस विश्वविद्यालय रसायन शास्त्र विभाग ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में आयोजित कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन में डॉक्टर अनिल कुमार विभागाध्यक्ष स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग साहेबगंज महाविद्यालय साहेबगंज ने स्नातक एवं स्नातकोत्तर के छात्र छात्राओं के साथ आभासी रूप में कॉन्फ्रेंस में भाग लिया। डॉक्टर कुमार ने नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम एनहेंसिंग ट्रीटमेंट एफिशिएंसी फेसिंग चैलेंजेस एंड एथिकल एप्लीकेशंस पर अपना शोध पत्र अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में प्रस्तुत किया। नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम के महत्व, विभिन्न प्रकार के नैनो डिलीवरी सिस्टम, प्रोसेस ऑफ नैनो ड्रग सिस्टम, नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम की उपयोगिता, लाभ हानि के बारे में बिंदुवार व्याख्यान में लोगों को अवगत करा सकते हैं। बेसिकली नैनो मेडिसिन होता क्या, नैनो मेडिसिन का साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होता है और ये किसी भी बीमारी के एरिया पर सटीक पोजीशन में जाकर या उस बीमारी को रोकने का काम करता है और उसको ठीक करने का काम करता है। तो ये माना गया है कि पहला नैनो मेडिसिन जो फर्स्ट नैनो मेडिसिन था पी जाइलेटेड फॉर्म ऑफ एस्पैराजिन जो कि जनरली 1994 में इसका आविष्कार हुआ था। नैनो मेडिसिन के एप्लीकेशन या उपयोगिता के बारे में कहें तो इस पर आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, नैनो मेडिसिन की उपयोगिता उपयोगिता ज़्यादा ही है। इसको आप हम लोग ऐसे दे सकते हैं, ये किसी बीमारी को डायग्नोसिस करवाता है, ये मॉनिटरिंग करवाता है, ये कंट्रोल करवाता है और प्रिवेंटिव मेजर लाता है और ट्रीटमेंट प्लान देता है। बेसिकली इसका ड्यूटी है इनेबलिंग टुगेदर इंटरवेंशन विथ मिनिमल साइड इफेक्ट, एप्लीकेशन ऑफ नैनो मेडिसिन। नैनो ड्रग किस बीमारी पर अधिकतर कारगर हो सकता इसके है? इसके पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ नैनो मेडिसिन का एप्लीकेशन बहुत तरह का है। इसको हम लोग ड्रग डिलीवरी में करते हैं, डायग्नोस्टिक प्रॉपर्टी में करते हैं, थेरेप्यूटिक्स में करते हैं, वैक्सीन के रूप में करते हैं, टारगेटेड थेरेपी के रूप में करते हैं, मॉलिक्यूलर इमेजिंग के तरह करते हैं और जीन डिलीवरी में नैनो मेडिसिन का या नैनो ड्रग का हम लोग यूज करते हैं। आपने हमसे पूछा कि आपका एक सवाल था नैनो ड्रग का एग्जाम्पल किस बीमारी पर कारगर होता है। अच्छा, नैनो बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज के युग में जो बड़ी बहुत बहुत सारी बीमारियां जो कि ऐसी बीमारी जो लाइलाज बीमारियां हैं उसमें हम लोग नैनो मेडिसिन का यूज करते हैं। बेसिकली हम लोग कुछ मेडिसिन ऐसे हैं जैसे कि नैनो मेडिसिन है कोलैक्स जिसको हम लोग ओवेरियन कैंसर में यूज करते हैं, ड्यूकानोजॉन जो हम लोग की HIV में करते हैं, डोपोकाइल लिम्फोमेटस मेनिनजाइटिस में काम करते हैं, जेनेक्सटेक्ट PM जो कि ब्रेस्ट कैंसर में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, मॉस्क्विरिक्स जिसका हम लोग मलेरिया में यूज करते हैं, इफेरॉल हेपेटाइटिस ए में इसका यूज हम लोग नैनो मेडिसिन का यूज हम लोग करते हैं। जैसे कि अभी आपने खूबियां गिनाई तो जैसा हम सब जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी होंगे तो उनसे भी अगर आप अवगत करवाएं तो बहुत ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हर एक पहलू के दो बिंदु होते हैं, चाहे वह उसका उपयोगिता हो और उसका मैंने अनुपयोगिता हो। जैसे इसको हम लोग एडवांटेज के रूप में देख सकते हैं, इसको डिसएडवांटेजेस के रूप में देख सकते हैं। तो बेसिकली हर एक केमिकल्स का अपना एक डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज होता है, लेकिन उस डिसएडवांटेजेस को छोड़कर जो एडवांटेजेस पक्ष है उसको हम लोग को कंसिडर करना चाहिए। अभी बेसिकली कुछ एडवांटेजेस इसका ये है, एक प्रिसीजन मेडिसिन के रूप में काम करता है, मिनिमली इन्वेसिव होता है, इम्प्रूव एफिकेसी होता है। अगर इसके दुष्परिणाम या डिसएडवांटेजेस को हम गिने तो ये हाई कॉस्ट है। अभी चूंकि इसका प्रोडक्शन कम होता है इसलिए इसका कॉस्ट हाई है, टॉक्सिसिटीज में ज्यादा है, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अभी नहीं बना है गवर्नमेंट की तरफ से और ये चैलेंजिंग इंश्योरिंग सेफ्टी एंड एफिकेसी, जितना इसकी एफिकेसी होना चाहिए जितना ये सेफ्टी है इस पर अभी और काम करने की जरूरत है जिससे कि गरीब मरीजों का इलाज अति सुगमता से किया जा सके। अगर नैनो मेडिसिन को गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाता है तो इसमें क्या क्या चुनौतियां आ सकती है और अभी वर्तमान समय में क्या क्या चुनौतियां आ रही है? मैंने ऐसा देखा गया है कि नैनो मेडिसिन का प्रोडक्शन बहुत ही कम मात्रा में होता है और इसका कॉस्ट एफिकेसी ज्यादा है, इसलिए इसके प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए और इसमें जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट्स हैं और साइंटिस्ट हैं, इन लोगों को एक साथ होकर काम करना पड़ेगा, तब जाके नैनो मेडिसिन को हम लोग अच्छा रूप दे सकते हैं और गरीब से गरीब तबके के लोगों को इस नैनो मेडिसिन को पहुंचा सकते हैं।
भविष्य की ओर अगर देखा जाए तो नैनो मेडिसिन के भविष्य में क्या मार्ग बनते हैं? मैंने इसके लिए अभी भविष्य में इसको अगर देखा जाए तो अगर इसको हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जोड़ दें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर जोड़ेंगे तो हमको बहुत सारा डाटा मिलेगा और उस बिग डाटा जो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ सेफर एंड मोर इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम, अगर हम लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में देखें जिसके डेवलपमेंट ऑफ सेफर एंड मोर इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम को हम लोग यूज कर सकते हैं और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में न्यू थेरेपेटिक मोडलिटीज के रूप में इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। एक मिनट, दूसरा पेपर के बारे में बोले पूछो ना, पुराने जमाने में क्या भारतीय इतिहास या वैश्विक इतिहास की ओर अगर हम पलटे तो क्या कहीं नैनो मेडिसिन का हमारे पूर्वजों द्वारा कभी उपयोग में लाया गया था? ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय आपका है कि हमारा जो पुरानी वैदिक काल है, हमारे जो आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे उन लोगों की पकड़ बहुत अच्छी होती थी, उनकी विद्वता की महत्ता आज भी है। पहले के जमाने में लोग बहुत, जब कोई बहुत बीमार हो जाया करते थे, उनमें चलने की क्षमता नहीं रहती थी, वो बेड पर रहते थे, तो रामायण काल जाइए, वैदिक काल जाइए, सभी में आप देखेंगे कि अबलक भस्म या स्वर्ण भस्म या चांदी भस्म का उपयोग वो लोग दवाई के रूप में करते थे और उस दवाई को अगर वो The different importance of nanoparticle systems are, it is a precision targeting, reduce side effects, improve drug solubility, longer circulation time, personalized medicine level. Now, nanoparticle systems, types of nanoparticle systems, that is polymeric nanoparticles allow sustained release and targeted delivery. Now, the second one is inorganic nanoparticles. These inorganic nanoparticles, they offer good properties for drug delivery, imaging and therapy. And the third one is lipid-based nanoparticles, that is LPNP, that it is used for enhanced solubility and stability, where there are targeted delivery. And fourth one is viral nanoparticles. Viral nanoparticles are particularly useful for gene therapy. And another thing, nanoparticles are using bomb technology. These are used to improve drug solubility and delivery. Advantage of nano drug delivery system, that is, number one is enhanced drug solubility and bioavailability. Number second is targeted delivery. Number third is controlled and sustained release. And number four is reduced side effect and toxicity and enhanced stability and production. It enhances the quality of the system. It is nanoparticles can enhance the solubility of multi-water soluble drugs, subject to better absorption and therapeutic efficiency. In this bioavailability, nanoside particles are the largest material to volume ratio, which can improve the bioavailability of products. In targeted delivery, nanoparticles can be formalized into antibodies or peptides that specifically bind to receptors or target cells, ensuring that the drug is delivered to the very immediate. In controlled and sustained release, nanoparticles can be engineered to release the drug in a controlled manner over an extended period, reducing the frequency of dosing and improving target compliance. In reduced side effect and toxicity, the targeted therapy minimizes the exposure of healthy tissue to the drug, reducing side effects and toxicity. In enhanced stability and protection, nanoparticles can protect the drug from degradation due to the environmental factors like light, pH, injury, enhancing its stability. And prolonged shelf life with improved stability can extend the shelf life of the drug formulation. And other parts, and these advantages of nano drug delivery system. Number one, complexity in design and production. Number two, regulatory and approved hurdles. Number three, potential toxicity and safety concerns. And fourth, stability and storage issues. And number fifth is high cost. So, in complexity and design and production, the design and production of nano carrier involves
The BPA can put models in this way. The country framework for nanomedicine tries to evolve relating to uncertainty in the approval process. Extended the approval time, the thorough evolution plan for safety and efficacy can lead to the longer approval time compared to the traditional drugs. In potential toxicity and safety concern, the small size and unique properties of nanoparticles can result in unfortunate toxicity effects by acute and chronic. In stability and storage issue, some nanoparticles may have stability issues that affect their shelf life, making storage and handling more complicated. High cost, production cost. The sophisticated technology and process required to manufacture nano carriers can result in high in production cost. Economic burden. This cost can translate to higher prices of nano carriers, respectively, meaning that they are accessible to the passengers. Now, ethical implications of nanoparticles delivery. Now, number one, long term effects, informed consent, privacy and security, data privacy, surveillance, access and equity, cost and accessibility, global disparities, environmental impact, nanoparticles pollution, sustainability, ethical research practices, animal testing, human trials, dual use and issue, dual use control, biosecurity. These are the ethical concerns regarding natural product system and there is a practical impact in the ethical research practices should be there, dual use and issues of the natural product should be there, privacy and surveillance should be there. Now, what are the different challenges of nanoparticle system? Now, number one is a technical challenge, it technical challenge. Manufacturing complexity producing nanoparticles involves sophisticated techniques that can be required to scale up from laboratory to industrial production. Now, reproductibility, ensuring consistent size, shape, and surface characteristics of nanoparticles across batteries is challenging for physical safety, efficacy, and safety. Now, validation of cancer. Immune system clearance. The body's immune system can recognize and eliminate nanoparticles reducing their therapeutic efficacy. Tissue penetration. Achieving effective penetration of nanoparticles into targeted tissue, especially solid tumors, can be difficult. Biological distribution. Controlling the distribution of nanoparticles to avoid accumulation in untargeted tissue is critical to minimize side effects. Now, safety and toxicity. Nanotoxicity is the potential toxicity of nanoparticles to cells and organs need through investigation, long-term safety data of the lab. Higher accumulation, understanding and mitigating the risk of nanoparticles accumulating in the body over time is essential. These are the challenges for nano drug delivery system and DDS. These are the lectures from where we want to conclude. So this is all about